टेक सेट टॉक। अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है भीम। तो चलिए देख लेते हैं आपको प्ले स्टोर पे क्या टाइप करना है, किस तरह आपको ऐप इंस्टॉल करना है और क्या प्रोसीजर पूरी फॉलो करना है अगर आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको लिखना है भीम। लेकिन अभी दिक्कत ये है, अगर आप भीम लिखेंगे तो आपको दिखेंगे छोटे भीम, तो अभी यहाँ पे तो आपको ऐप मिल नहीं रही है। तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा पूरा भीम भारत इंटरफेस फॉर इंडिया। अब ये लिखेंगे तब भी आपको बहुत सारी ऐप्स इसमें दिखेंगी, पर जो ऑफिशियल ऐप है वो है ये वाली, जो जिस पे लिखा हुआ है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बाकी ऐप्स में आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ऑफिशियल ऐप यही है भीम। तो आप इस पे क्लिक करें, उसके बाद इसको आप इंस्टॉल करें। ये जब इंस्टॉल हो जाए आपको सिंपल ओपन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे ये आपको बताएगा कि भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब इसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, चलिए हम इंग्लिश सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं। अभी आपको वेलकम स्क्रीन पे लेके आएगा जिसमें वो बताएगा नाउ यू कैन सेंड एंड रिसीव मनी इंस्टेंटली यूजिंग योर मोबाइल। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब इसमें ये फीचर्स बताएगा, ये UPI यूज करता है बैकएंड में। आप 24/7 किसी को भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, और इवन इसमें QR कोड की फैसिलिटी है ताकि आप एक कोड बना सकते हैं, फिर सामने वाला उस कोड को स्कैन करेगा और वो पेमेंट कर पाएगा। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें ये बताएगा कि आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके मोबाइल से एक मैसेज भेजना चाह रहा है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने स्टार्ट किया है। अब ये लेके आया है कि आपका मोबाइल वेरीफाई करना चाह रहा है। इसमें बताने वाली बात ये है, अगर आपका OS 5.1 एंड्रॉइड के ऊपर है तो डुअल सिम अगर आपके मोबाइल में है तो आप एक सिम बंद कर दें, एक वही सिम ऑन रखें जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है, क्योंकि ऑटोमेटिक उसी नंबर से सारे बैंक अकाउंट फैच करके लाएगा। तो मैंने एक सिम बंद कर दी है, सिंपल मेरे मोबाइल पर एक ही सिम ऑन है। मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। अब ये मेरे नंबर से एक मैसेज सेंड करेगा सर्वर पे, वहां से ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसमें OTP आता नहीं है, आपके मोबाइल से आपके नंबर से एक मैसेज जाता है। तो ये मोबाइल मेरा वेरीफाइड हो गया है। अब ये मुझे लेके आया है एक पासकोड बनाने के लिए। ये पासकोड 4 डिजिट का वही कोड है, जब भी आप ये ऐप ओपन करेंगे तब ये काम आएगा। अगर आपका फोन किसी के पास चला जाता है तो वो बिना इस पासकोड के आपकी ये ऐप ओपन नहीं कर सकता। तो चलिए मैं एक पासकोड सेट कर देता हूं। मैंने एक पासकोड सेट कर दिया 4 डिजिट का। मैंने सिंपल राइट पे क्लिक किया। अभी कंफर्म कराएगा पासकोड, आप कंफर्म कर दीजिए। आप जैसे ही कंफर्म पासकोड करेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ सिलेक्ट योर बैंक पे लेके आएगा। इसमें ये सारे बैंक्स हैं जो इस ऐप में रजिस्टर्ड आप कर सकते हो आपके अकाउंट्स। तो ये एक सिंगल ऐप से आप सारे UPI के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी तक हो ये रहा था, हर बैंक ने अपनी अपनी एक UPI की ऐप लॉन्च करके रखी थी। अब सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम होती थी, एक्सिस बैंक वाले को एक्सिस बैंक की ऐप इंस्टॉल करना पड़ता था, या जिस भी बैंक का आप में अकाउंट है आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता था। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। एक सिंगल ऐप आ गई है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो ये ऑफिशियली है। ये फोन पे और जो बाकी ऐप्स हैं उन जैसी नहीं है, प्राइवेट, ये ऑफिशियल ऐप है इंडियन गवर्नमेंट की। तो आप ये सिंपल ये वाली ऐप इंस्टॉल करके आपके ये सारे बैंक्स के अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम ट्राई करते हैं SBI का अकाउंट ऐड करने के लिए। सिंपल मुझे SBI पे क्लिक करना है। अभी ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट्स फैच करके लाएगा सामने से, ये ले आया मेरा सेविंग अकाउंट। मैंने सिंपल इस पे क्लिक करना है। मैंने इस पे क्लिक किया, अभी ये ऑटोमेटिक ये मेरा अकाउंट इसमें बन गया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहली बार अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक MPIN भी सेट करना रहता है। इसमें तो मेरा MPIN बना हुआ है तो मुझे MPIN सेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर मुझे किसी को फंड भेजना है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के या उसका पेई एड्रेस डाल के भेज सकता हूँ। अगर आपको आपका पेई कोड देखना है तो आप सिंपल जाइए प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे आपको आपका पेई कोड दिखा देगा वो QR कोड के साथ। तो ये जो QR कोड है आप सामने वाले को दे सकते हैं, प्रिंट आउट करके लगा सकते हैं। तो वो सामने वाला आएगा, उसकी ऐप ओपन करेगा और सिंपल स्कैन एंड पे पे क्लिक करेगा। तो ये डायरेक्ट स्कैन करेगा वो QR कोड और उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो चलिए अपन भेजते हैं पेमेंट मेरे दूसरे UPI के पेमेंट एड्रेस पे, जो है सिट ग्रुप्स @ICICI। मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो यहाँ से वो नाम लेके आएगा, क्या नाम है, सिट ग्रुप्स के नाम है। मैंने यहाँ पे 10 रुपीज सिलेक्ट कर दिए और मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया तो ये मुझे लेके आएगा अब UPI की साइट पे, जहाँ पे मुझे मेरा MPIN डालना है जो 6 डिजिट का होता है। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है। मेरे SBI अकाउंट में 10 रुपीज डेबिट हो गए हैं और ICICI अकाउंट में 10 रुपीज इंस्टेंटली रात को 12:20 पे क्रेडिट भी हो गए हैं। तो इसी तरह आप सामने वाले को पेमेंट भेज सकते हैं, जिसको भी आपको भेजना चाहें आप, जिसको भी। इसमें आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं पेमेंट, आप उसका पे ही एड्रेस डाल दीजिए तो वो उसके पास एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि आपने उससे फंड रिक्वेस्ट किया है। लाइक मैंने ये भेजा इसको रिक्वेस्ट मनी।
मैं यहाँ पे अमाउंट लिख सकता हूँ मुझे कितने रुपए उससे मंगाना है, और उसके बाद वैलिडिटी रख सकता हूँ कब तक ये दे सकता है। मैंने रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। अब मेरा बैंक मेरे को, आईसीआईसी वाला बैंक मेरे को एक मैसेज भेजेगा या एक लिंक भेजेगा कि सामने से किसी ने रिक्वेस्ट किए हैं पेमेंट। तो जैसे मेरे पास ये आईसीआईसी का आ गया है कि किसी ने रिक्वेस्ट किया है पेमेंट 10 रुपीज़, वीपीएस सेट हो गया, यूपीआई से आया है। तो इस तरह आप पेमेंट भेज सकते हैं। ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ जाएगी, प्रोफाइल में आप आपके सारे यूपीआई के जो आपका वो रहेगा पेई नेम और क्यूआर कोड वो देख सकते हैं, और बैंक अकाउंट में आप क्लिक करके सिंपल अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको रिसेट, आपका एमपिन रिसेट करना है तो वो कर सकते हैं, या आप चेंज करना चाह रहे हैं यूपीआई का पिन तो वो भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अकाउंट चेंज करना है, बस इसमें एक फैसिलिटी ये नहीं है आप एक साथ बहुत सारे अकाउंट चला नहीं पाएंगे, आपको एक बार में एक ही अकाउंट चला पाएंगे, तो आपको बार बार चेंज अकाउंट पे क्लिक करके आपका अकाउंट चेंज करना पड़ेगा अगर आपको दूसरा बैंक यूज करना है तो ये इसमें बस फैसिलिटी नहीं है, ये एक बार में एक ही अकाउंट पे काम करेगा। तो जो भी आप अकाउंट मैप करेंगे फिर उसके लिए ये पूरा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप पे सेंड स्कैन एंड पे कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, तो ये इसके थ्रू आप पूरी चीजें मैनेज कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आपका क्यूआर कोड जनरेट करना है या किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो सिंपल आपको जनरेट क्यूआर कोड पे जाना है, यहाँ पे आप वो अमाउंट लिखिए। जैसे अगर मैं 100 रुपीज लिखता हूँ और मैंने जनरेट कर दिया क्यूआर कोड, तो ये क्यूआर कोड बन जाएगा मेरे इस पे, और वो क्यूआर कोड मैं किसी को भी दूंगा अगर, तो ये 100 रुपीज का क्यूआर कोड बन गया है, ये कोई भी अगर स्कैन करता है उसके यूपीआई आईडी से या उसके ऐप से, भीम ऐप से, तो ऑटोमेटिक 100 रुपीज उसके अकाउंट से डेबिट होके मेरे अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएंगे इंस्टेंटली। तो इस तरह ये भीम ऐप काम करती है, आप भी ट्राई करिए। और अगर आप टेस्ट पेमेंट भेजना चाहते हैं तो सिंपल सेंड पे क्लिक करिए और मेरा दूसरे बैंक का अकाउंट यूज करिए, उस पर आप जितना टेस्ट पेमेंट करना चाहें वो कर दीजिए, और मैं ये अमाउंट यूज करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस को एनहेंस बनाने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो।